दूध आ चुका है, चिकन आ चुका है, ड्राई फ्रूट्स आ चुके हैं और कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है। अगर अब किसी का आना बाकी था तो वो थी ईद खुद। आज चांद रात है यानी कि कल ईद होगी और जब आप ये व्लॉग देखेंगे तब ईद निकल चुकी होगी। हर साल ईद बहुत प्रेडिक्टेबल होती थी लेकिन इस साल अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ लोग हमारे आते थे और हम कुछ लोगों के जाते थे लेकिन ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस इस बार ऐसा नहीं होगा। तो क्या इस बार हम अकेले अकेले मनाएंगे? नहीं, इस बार हम मनाएंगे। हम कौन? हम यानी कि आप और मैं साथ में। सुबह उठते ही तुम्हारा भाई हाथ में कैमरा ले लेगा और जो भी डेली एक्टिविटीज करेंगे वो कैमरे में रिकॉर्ड कर लूंगा ताकि आप और मैं उसे साथ में एंजॉय कर सके। अभी जा रहा हूँ सोने, बहुत रात हो गई, सुबह उठना है, काम भी बहुत सारे हैं। वो टेक केयर, शब खैर, बाय बाय, सी यू टुमारो। तो यार देखो, सीन ये था कि मैं सुबह उठ के नहा धो के नमाज पढ़ के 2 घंटे सो भी चुका था और उस वक्त बज रहे थे सुबह के 10। देख रहे हो कहानी एकदम से कैसे फास्ट फॉरवर्ड हो गई। और तब आता है असल काम। असल काम क्या? यानी कि ईदी लेना। अभी ईदी लेना क्या होता है? इसमें होता है आपको अपने बड़ों को जाके सलाम करना है और वो इन रिटर्न आपको पैसे देंगे। ये सबसे आसान तरीका होता है पैसे कमाने का। तो अच्छे रिश्तेदार जो होते हैं वो ऐसे पैसे देते हैं और दूसरे वो रिश्तेदार जो सिर्फ आपके मार्क्स और नंबर पूछने के लिए ही फोन करते हैं वो लोग ऐसे ईदी देते हैं। मूड खराब कर दिया। तो यार इस बार की ईदी खट्टी करना कुछ स्पेशल मोटिव था मेरे लिए और वो स्पेशल मोटिव हमारे लिए है। और दूसरी चीज ये कि जब दोपहर के 2 बजे उस वक्त टाइम हो गया लंच का और लंच में अगर आपने डिशेज में क्या क्या बना है वो नहीं देखा तो बॉस फिर तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप 120 FPS पे देखो तब ज्यादा मजा आएगा। वो बीच में डिस्टर्ब कर दिया लेकिन यार ये चीज ना जरूर ट्राई करना। इसका नाम है लाहौरी जीरा। मैंने इसको रमजान में ट्राई करा और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मुझे इतना पसंद आया कि ये देखिए। मुझे इतना पसंद आया कि मैंने इतना सारा मंगा लिया है। आप भी जरूर ट्राई करना। अब इंजॉय करिए आगे वीडियो को। आधे से ज्यादा दिन निकल चुका है तो मैं सोचता हूँ कि अपने दोस्त के पास जाता हूँ और उसे एक सरप्राइज देता हूँ। सबकी जिंदगी में एक मोहरामी दोस्त होता है और मेरी जिंदगी में उस दोस्त का रोल प्ले कर रहे हैं ये वाले भाई साहब। असल में दोस्त नहीं, मैं इसका बाप हूँ। कौन हूँ? पापा। ओ भाई, ये सीन कट जाएगी, कटेगा नहीं, ये भाई कट जाएगा। लेकिन इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत दिन बाद बात करी थी। इसके
इसके बाद बजते हैं रात के 9, और रात के 9 बजना मतलब डिनर टाइम। और डिनर में यार ऐसी चीज बन रही थी ना कि उसको देख के तुम्हारे मुंह में पानी नहीं समुंदर आ जाएगा, ऐसे मजा नहीं आता। 120 एक्सप्रेस पे फिर से जाना पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। वॉचिंग द ब्लॉग, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, नए ब्लॉग मिलेंगे नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। बाय बाय।